देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूँ अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वीकेबी प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नागपुर के उन कलाकारों से आपको रूबरू कराना है जिन्होंने कला इस क्षेत्र में अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकाम जो है वो हासिल किया हो। और आज मेरे पीछे देखिए बहुत ही खूबसूरत हरियाली आपको नजर आएगी और ऐसा लगेगा कि किसी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जगह आपको लेकर आया हूँ। मेहमानी बड़ा खूबसूरत और बड़ा खास है और काफ़ी कम उम्र में इसने अपना अच्छा मुकाम हासिल किया है। 2017 में मराठी चैनल जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारेगामापा में जो है 3 राउंड तक वो गया था। उसके अलावा नागपुर के कई सारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं उनके कॉम्पिटिशन्स जो है वो भी उसने जीते हैं। एक मराठी फिल्म है अंगूठा, उसके लिए उसने प्लेबैक किया है और एक एल्बम है उसका, उसके लिए भी उसने गाना गाया। और सबसे खास बात, वो सारे गाने जो है उसके सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मौजूद है। सबसे खास बात ये कि गज़ल उसकी बड़ी फेवरेट है। तो जिसके बारे में मैंने इतना सब बताया वो पीयूष वाघमारे आज हमारे साथ है। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष। पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है आज इतनी खुले आसमान के नीचे तुम हमारे साथ हो? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दादा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या बात है। तो पहला सवाल मेरे शो का हमेशा यही होता है कि शुरुआत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर किसी के लाइफ में, और म्यूज़िक में तो मेरे ख्याल से आपको बहुत लंबे समय से मतलब रियाज हो गया, फिर शुरुआत बहुत जल्दी करनी पड़ती है। बराबर। तो मुझे ये बताओ कि शुरुआत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी मम्मी गाती थी। अच्छा, मेरे मम्मी के पप्पा गाते थे, वो गज़ल गाते थे। तो मम्मी का ड्रीम था कि कुछ करना है, पर मम्मी के पप्पा कुछ कर नहीं सके, परिस्थिति थोड़ा सा नामाडोल थी इसकी वजह से कर नहीं सके। तो फिर मम्मी ने मुझ में देखा, मेरी मम्मी भी गाती है, सीखी नहीं है गाना, बट गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छा सुर ताल में गाती है। तो फिर मेरे पापा गज़लें के शौकीन थे, मेरे घर में सीडी वगैरह थे, सीडी प्लेयर, तो हम गुलाम अली खान साहब के गज़लें सुनते थे। क्या बात है। तो मैं छोटेपन में एक छोटा सा था, 4-5 साल का, तो मैं भी चुपके चुपके रात दिन चमकते चांद को ऐसी गज़लें गाता था। तो मम्मी ने मुझे फिर ट्यूशन में, बहुत लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा गाता है, इसको आप सीखा, आप तो नहीं सीखे बट ये सीखना चाहिए। तो फिर मम्मी ने मुझे वराट पांडे सर रेशम बाग में जो है वहाँ पे मुझे डाला। तो चलिए, मतलब इस सवाल का तो जवाब मुझे मिल गया कि भैया क्यों हमारे पीयूष को गज़लें पसंद है। बराबर। तो मतलब उम्र की 4 साल से, मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चा माँ के पेट से सीख कर आता है, तो माँ का जो सपना था वो आज पीयूष पूरा कर रहा है, मेरे को मतलब ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो पहले गुरु कौन थे, तुमने क्या नाम बताया उनका? वराट पांडे सर। वराट पांडे सर, तो उनसे, वराट पांडे जी से तुम्हारे जिंदगी की शुरुआत हुई। हाँ। स्कूल में भी तुम आए होगे, तो फिर स्कूलिंग कैसे रही, घर का माहौल कैसा था, और म्यूजिक तब भी कंटिन्यू था कि ब्रेक मिल गया था? क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छा, तो पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है म्यूजिक को, तो फिर यहाँ क्या चल रहा था? मैं बाबा नानक में था, सिंधिंदी बाबा नानक में, तो वहाँ पे आकांक्षा नगरकर मैम थी, राइट राइट, सिखाने के लिए मुझे। तो मैं उतना गानों की तरफ, स्कूल में बदमाशी करता था मैं, पहले बात तो बदमाश लड़कों के साथ रहना वही बदमाशी करना। फिर मेरा एक दोस्त ऐसा है छपरी टाइप का, तो वो उसने खड़ा होके बोल दिया कि अरे मैम पीयूष बहुत अच्छा गाता है पर वो बताता नहीं है। तो मैं, मैम ने फिर मुझे बुलाया, तभी भी मैं 1-2 दिन हो गए गया नहीं गया नहीं। तो वो मैम फिर बोले अरे कौन लड़का है, कौन पीयूष है? तो फिर मैम से फिर मैं मिला, फिर मैं मैम को मैंने सुनाया, तो मैम बोले अरे बहुत अच्छा गाता। तो फिर मैम ने वहाँ से और मोटिवेट किया, जो स्कूल कंपटीशन होती थी कंपटीशन लेवल पे, तो मैंने वहाँ पे भी 4-5 प्राइज जीते स्कूल की तरफ से इधर उधर जाके, तो वहाँ से भी कारवा चालू हो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे पीयूष की असली शुरुआत जो है वो तो घर से हो गई थी, लेकिन स्टेज जो है वो पीयूष को स्कूल के दौरान जो है वो मिला। याद है पहला गाना कौन सा गाया था स्टेज पर? मैं गजल गाई थी। क्या बात है। तो फिर मौका भी है, दस्तूर भी है, और जब हम किसी सिंगर का इंटरव्यू करते हैं तो उसको जरूर गाना गवाते हैं शुरुआत। तो मैं चाहूंगा जरूर वो गजल किसकी थी, कौन सी थी, जरा बताओ और जरूर सुनाओ। ये जो गजल थी मैंने पहले सीखी थी मम्मी से और सुनी थी, वो मेरे उस्ताद जी गुलाम अली खान साहब से, चुपके चुपके रात दिन। क्या बात है। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं,
अपने तेवर को संभालो के कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। क्या बात। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हम को अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर लोग डिवाइन, एमी वे, बादशाह, हनी सिंह ऐसे लोगों के गाने सुनते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुलाम अली साहब की जो गज़लें हैं वो भी पसंद है। और ऐसे ही पीयूष हमारे साथ है, और सिर्फ पसंद ही नहीं है, गाते भी। और ये जो एक ट्रेंड होता है, या मैं कहूँगा कि एक विरासत होती है, उस विरासत को भी वो कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा लोग ऐसे कहते हैं कि गाना जब हम सीखते हैं या फिर गाने के लिए गाने की कोशिश करते हैं तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो तुमने भी क्लासिकल म्यूज़िक की, मतलब शास्त्रीय संगीत की वगैरह ट्रेनिंग ली है क्या? और वो ट्रेनिंग में क्या क्या बेसिक चीज़ें तुम्हें सिखाई गई जो आज भी तुम्हें जब गज़ल परफॉर्म करते अच्छा। हो या शो परफॉर्म करते हो या गाना रिकॉर्ड करते हो तो हेल्प होती है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दादा। सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग ये रैप वगैरह सुन के इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उनको लगता बस गाना आ गया, पर गाना वो नहीं है। आपको क्लासिकल की ट्रेनिंग, वो बेसिक है। अगर आपका बेसिक अगर नॉलेज अच्छा पक्का हुआ तो आप कहीं भी खेल कूद के आप जगह पे आ सकते हो। और बेसिक ही अगर नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वो सीमित हो जाते हो। आपको अगर बादशाह बनना है, कुछ भी बड़ा अचीव करना है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने भी वैसा सीखा है, विशारद कम्प्लीट किया और सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। बड़े बड़े एक प्रोसेस है ये जिंदगी भर, आदमी ने सीखते ही रहना चाहिए। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा खुद को अपडेट करेंगे, उतने आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी का मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा दौर, यानी कि साल 2017, दो साल तो सब कैसे ही चले गए कोरोना में। तो 2017 में जब तुम जी टीवी के ऑडिशन के लिए पहुंचे, ओके, तो कैसे क्या ऑडिशन में पहुंचे, ऑडिशन कैसा दिया, और वो जो 3 एपिसोड का एक छोटा सा तुम्हारा जर्नी था, तो जर्नी आखिर कैसा था? मेरा दोस्त था, मुझे पता नहीं था कि सारेगामा के ऑडिशन नागपुर में। तुमको कभी कुछ पता ही नहीं रहता? नहीं, सही में नहीं पता था। और मेरे जितने भी काम होते हैं ना अच्छे वाले, वो इंस्टेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंटली। तो मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त ने बोला, अरे बोले तू ऑडिशन के लिए गया नहीं क्या? बोला कौन से ऑडिशन रे? अरे सारेगामा चे ऑडिशन आहेत म्हणे, मराठी मध्ये बोलला, सारेगामा चे ऑडिशन। तो मला वाटलं हिंदी, अबे भाई बोला हिंदी है, बोला बहुत गर्दी रहती, नहीं होगा। और वो भी 11 बजे बोला उसने, दोपहर को। अबे मैंने जाऊन तो पा मैंने वर्धा रोड वर आहे म्हणे। तो मैं गाड़ी निकला ऐसी, आंग पैर धोया, खाना उना खाया और निकल गया। अच्छा। और सब अंदर चले गए और एक दो लोग ही थे जो हम बाहर थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज ले लो, क्योंकि लोग सुबह से 6 बजे से आए थे। राइट। तो मैं चला गया। चला जाने के बाद फिर वहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, वो सब हुआ। रात के 12 बजे, 2 बजे रिजल्ट आया फाइनल वाला। अरे बाप रे। और वो रिजल्ट आया, फिर वहाँ से यहाँ से कम 3,000 से 4,000 लोग थे नागपुर में। राइट। 3,000 से 4,000 में से 150 लोगों को चुने नागपुर में। 150 के बाद वो 150 को मुंबई में बुलाए। मुंबई में फिर पूरे महाराष्ट्र के 150 लोग आए। 150 में से फिर नागपुर के 50 सुने, 50 में से 10, 10 में से मैं, फिर मैं 5वां। वाह, ऐसे तो बड़ी अमेजिंग। और एक बड़ी बात ये भी है कि जब नागपुर में रिजल्ट लगा था दादा, 2 बजे रात को, तब मेरी गाड़ी भी पंचर हुई थी और मैं अजमेर से पैदल गाड़ी लेके, पर घर वालों को नहीं मिला, 3 बजे अपने घर पहुंचा। क्या बात है। तो मैं कहूंगा कि ये जो इतना सारा मतलब अप एंड डाउन हुआ है उस ऑडिशन के दौरान, तो बेनिफिट रहा उसका। हाँ। मुंबई जाने को मिला। और ऐसा कहते हैं कि हम हमारे शहर में तो शेर होते ही हैं, बराबर, लेकिन जैसे मुंबई या फिर पूना, दिल्ली जैसे शहर में हम परफॉर्म करते हैं या किसी मतलब शोज में हम जाते हैं, रियलिटी शो में कहूँगा, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है।
जैसे हम नागपुर से आते तो थोड़ी देर पहले इसने बिल्कुल अपना नागपुरी टोन आपको बता दिया कि नागपुर के लोग एक्चुअल में बात कैसे करते हैं। तो वही हम मुंबई के लोगों से मिलते हैं तो पुणे के लोगों से मिलते हैं तो वो सारी चीजें जो वो होती है। और उस शो में अगर मैं गलत नहीं तो बेला शेंडे, रवि जाधव और भी एक जज थे, स्वानंद किरकिरे, जी हाँ, तो वो जजेस थे। तो बहुत कुछ सीखा होगा उस शो में, तो क्या क्या सीखा थोड़ा बताओ। मैंने इतना अच्छी बात सीखी कि मैं खुद को समझता था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो हर कोई समझता है, नया कुछ नहीं मैं समझता था। बट जब वो महाराष्ट्र लेवल के इतने बड़े बड़े अच्छे गुरुओं के चेले लोग, अच्छे स्टूडेंट लोग वहाँ कटे और बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे, बट एक लक भी था, बाकी कुछ नहीं। जब मैं वहाँ स्टेज पे गया, 20-25 कैमरे लगे हैं, लाइट्स लगे, वो सब मैं देख के हैरान हो गया, नर्वस हो गया, बहुत नर्वस हो गया। और इतने टॉप यानी रपारप जो हरकत ही बोलते हैं गाने में लेने वाले, वैसे लोग थे। तो मैं वहाँ से सीखा कि मैं पीयूष अभी तक कुछ नहीं है, और मेहनत करना जरूरी है, और बहुत कुछ सीखने मिला। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो सीखने का दौर जो है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो जारी रहना चाहिए, आदमी हमेशा जिंदगी भर सीखते रहता है। चलो वो रियलिटी शो खत्म हो गया, तुम वापस आए, वापस आने के बाद खुद में क्या बदलाव किए, क्या चेंजेस किए? जैसे कि तुमने कहा कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। बराबर, तो मैंने चेंजेस यही किया कि अपने गाने को कैसा और भी अच्छा कर सकते, यानी हर एक प्रकार का जॉनर कैसे मैं गा सकता हूँ। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन इसलिए कट हुआ कि मैं उस प्रकार के जॉनर में नहीं गा सकता था। हाँ। जैसे गोंधड़ हो गया, राइट, पोवाड़ा हो गया, राइट। एक लिमिटेड दायरा नहीं होना चाहिए, वर्सेटाइल सिंगर होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए, और जो भी चीज आपको देती है उनकी क्रिएटिव टीम वो करते आनी चाहिए। यस, बिल्कुल एकदम बराबर बोले। तो वो सब बातें फिर मैंने आके कि गोंधड़ का स्टाइल कैसा होता है, टोनिंग कैसी होना चाहिए, पोवाड़े की टोनिंग कैसी होना चाहिए, भजन की टोनिंग कैसी होना चाहिए, गजल की टोनिंग कैसे होनी चाहिए, सूफी की टोनिंग, वो सब मैंने सीखा, वो सब लोगों से जाना, और भी बहुत लोगों के पास गया, उन्होंने भी मुझे और बहुत कुछ अच्छा बताया। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशंस के प्रोग्राम में जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है पीयूष ने, और बेस्ट पार्ट की वो जीते भी हैं। हाँ। तो बार बार जीतते हैं और कभी रिजेक्शन हो जाता है या फिर हार जाते हैं, तो फिर कैसा फीलिंग आता है? वैसे पीयूष कभी हारा नहीं, लेकिन फिर भी जब अपन शो से आए बाहर तो क्या फीलिंग कैसी आती है कि हम कट गए शो से, हम निकल गए, तो क्या फील आता है? क्योंकि यहाँ पे एक रहता है कि मैं पहले ही आ रहा हूँ, और अचानक से फिर हम मतलब पास हो रहे हैं हमेशा और फेल हो गए, तो वो फीलिंग कैसा था फिर, और कैसे कमबैक किया फिर? पहली बात बताऊँ क्या दादा, क्या है ना, मैं जिस दिन सोच के जाता हूँ कि मैं आज जीतूंगा, वहाँ मैं हार जाता हूँ। अच्छा, ये रियलिटी है। और जिस दिन मैं ऐसा इंसिडेंट चले जाता हूँ, एक्सीडेंटली डायरेक्ट चले जाऊँगा, कुछ करके नहीं जाऊँगा, वहाँ मैं जीत जाता हूँ। क्या बात है, ये पता नहीं, ये होता ही है। और जिस दिन मेरी तबीयत खराब रही, जैसा मेरा गला बैठा, मेरे सर्दी, उसी दिन मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बाकी दिन पता नहीं, होता ही नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी एकदम नॉर्मल है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, बराबर। हाँ हाँ। और जब हमारा गला खराब है, सर्दी है या फिर कोल्ड है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार आज पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि हम अंदर से पूरे नहीं। यस, परफेक्ट दादा, एकदम बराबर। तो बस यही है, और बहुत अच्छा है यार, बहुत देर हो गया, कोई गाना नहीं सुनाया तुमने, बातें बहुत सारी है मेरे पास, सवाल भी बहुत है। मैं चाहूंगा कोई बढ़िया सा
गजल के अलावा और सबसे फेवरेट जॉनर कौन सा तुम्हारा? मैं अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। क्या बात है। और मेरे ख्याल से जितने सारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो पीयूष के दोस्त होंगे या फिर जो हमारे वीकेबी के दर्शक होंगे, वो भी अरिजीत सिंह को पसंद करते होंगे, तो मैं चाहूंगा जरूर अरिजीत सिंह का, और तुम्हारा कोई फेवरेट गाना हो तो वो जरूर सुनाओ। अच्छा अच्छा, मेरा अरिजीत सिंह का चन्ना मेरा बहुत पसंद का है। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बलिया, ओ बिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बलिया, ओ बिया। क्या बात है, मुझे तो हमेशा ही अवसर मिलता है कि ऐसे कई सारे लोग उसे मिलो, उनको जरा पास से सुनो, क्योंकि स्टेज पे जब आप सुनते हैं और जब ऐसा लाइव सुनते हैं तो बहुत एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा कहते हैं लोगों का नजरिया थोड़ा बदल जाता है जब हम किसी रियलिटी शो से परफॉर्म करके आते हैं। हाँ। कोई कॉम्पिटिशन जीतना हम शुरू करते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले तो बहुत प्राउड करते हैं पहली बात तो, और घर वाले काम भी नहीं बताते कि लाडाचा पोरगा आहे म्हणते आमच्या म्हणते, तर तू कामं नको करू म्हणते घरचे, नाही म्हणते खूप कामाचं काम करू नला म्हणते, म्हणजे गाणं गाके भी आहे काही से रियाज करके प्रॅक्टिस करके काही शो की नाही रे म्हणते खूप काम करू नला, पण मला माहित आहे माझ्यासाठी ते काम नव्हतं। वो तो मेरा एक इंटरेस्ट आहे बोलणं, बस इंटरेस्ट आहे। तो बहुत प्राऊड फील करते और वो बहुत सारे लोगों को बताते, मेरे दोस्त लोग भी मुझे जो मिले हैं बहुत अच्छे दोस्त लोग मिले हैं, मेरे वीडियो में नहीं डालता हूँ मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे, बट वो अपने चैनल पे डालते हैं। क्या बात, और उनके फैमिली देख के फिर अरे तो पीयूष तुझा मित्र है ना, हो किती छान गातो रे, त्याला घरी घेऊन येशील ना एक दोन गाणे ऐकायचे, असे म्हणजे खूप छान मित्र मिळाले, बहुत अच्छे दोस्त। क्या बात है, और दोस्त होते ही ऐसे हैं जो बिना बोले सब कुछ कर जाते हैं, और इसीलिए वो दोस्त होते हैं। मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी चैनल लाइनें हैं कि जब इंसान पैदा होता है ना तो सारे रिश्ते नाते अपने साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो इंसान खुद बनाता है, और जैसे इसने बताया वो रिश्ता होता है दोस्ती का। बराबर, और दोस्त हम खुद चुनते हैं, कोई हमें ला के नहीं देता कि भाई इससे दोस्ती कर ले तू। आगे बढ़ते हैं, मैं ये कहूँगा कि तुम्हें फिल्म भी मिली जिसके लिए तुम अभी प्लेबैक किया है, और हाल ही में एक एल्बम भी तुमने गाया, वो सारी चीज़ें फिर कैसे आई तुम्हारी जिंदगी में? फिल्म जो आ रही है वो मोटिवेशनल है, अंगूठा। अंगूठा तो मैं पहले दादा स्क्रैच गाए, जिसने मुझे गवाया मोहित मनुजा अपने नाम पे, ये घर का स्टूडियो, घर का स्टूडियो, तो मैं उनके लिए दो तीन बार स्क्रैच, चार पांच बार गाए, स्क्रैच गाए। उसके बाद और एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वो वहाँ मेरा पता नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, नहीं जमाऊंगा, तो मैंने स्क्रैच गाए। पर दादा ने मुझे एक दिन कंपोजिशन भेजी कि पीयूष ये मूवी की है, ऐसा ऐसा अपना है, और अच्छे बड़े लेवल पे जाने वाली, महाराष्ट्र लेवल पे, थिएटर लेवल पे, और ये वर्ल्ड फिल्म जो होती है फेस्टिवल, उसमें भी वो परफॉर्म करने वाले, और टाइटल आपको ही गाना है, तो आप इसको गा के भेजो। तो मैंने ऐसे कीबोर्ड लेके बैठा था, और मैंने कीबोर्ड पे उन्होंने भेजी, वो मैंने कॉर्ड किया, उन्होंने सब अरेंज करके और गाया और उनको भेज दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने स्टूडियो में बुलाया कि पीयूष बोले ये गाओ बोले, और मुझे पता नहीं था, मुझे तभी भी लगा कि ये स्क्रैची हो, स्क्रैची गवा रहे मेरे से ये लोग। बट तीन चार दिनों में उन्होंने फिर मुझे बोले, पीयूष बोले जी म्यूजिक कंपनी, जो मेरा ड्रीम था कि जी म्यूजिक कंपनी के लिए मैं गाऊं, और वो डायरेक्ट जी म्यूजिक को उन्होंने दिया, और बताया मुझे कि पीयूष बोले ये यहाँ जाने वाला है, और वो जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, और जो एक्टर है, उनको ये बहुत पसंद है, पसंद आया और अच्छा फील से गाया बोला आपने, तो वो फिर डन हुआ, और फिर वो टाइटल ट्रैक अभी तीन चार महीने पहले ही आया। क्या बात है, तो चलो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी रियलिटी शो में परफॉर्म करते हैं, स्टेज शोज में परफॉर्म करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको नेशनली अक्लेम मिले, लोग हमें पहचाने हमारे नाम से, हमारे गानों से लोग हमारे गाने जो है वो जरूर गुनगुनाए। हाँ। मैं भी चाहता हूँ जल्दी ही वो दिन तुम्हारे, एक एल्बम भी तुमने किया जो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो उस बारे में भी थोड़ा बताओ। एक एल्बम किया है मैंने, आप जानते होंगे राकेश वानखेड़े, राइट राइट, और एक आलेख तायवाड़े, वो दोनों की जोड़ी, एक म्यूजिक डायरेक्टर करके वो काम कर रहे, तो उनके पास एक एल्बम आया था
एक अंशुल नाम का लड़का है प्रोड्यूसर, उसने वो जान नाम का एल्बम है, तो वो जान नाम का एल्बम मुझे ऐसा बोल रहे थे कि पीयूष से गवाएंगे। तो मैं ऐसे ही दादा के घर में गया, पीयूष बोले गा के देख बोले, तो फिर मैंने गाया तो उनको अच्छा लगा, तो 3-4 दिन बाद वो प्रोड्यूसर को बुलाया कि इसके आवाज़ में करेंगे, तो फिर उसने भी सुना तो वो भी फिदा हो गया। क्या बात है। तो फिर वो करते करते फिर हम मुंबई गए, उसको अच्छे अच्छे चैनल पे हमने अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे सोशल प्लेटफॉर्म, हाँ सोशल प्लेटफॉर्म सब प्रमोट किया, और अभी वो सोशल OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, MX प्लेयर पे भी अवेलेबल है। क्या बात है। तो ऐसी ही जिंदगी होती है, कहीं से ना कहीं से शुरुआत होती है, और शायद तुम्हारा वो दोस्त ही होगा जिसने बोला मैडम ये बहुत अच्छा गाता है या से गवा दो बराबर। तो अगर शायद वो ऐसा बोलता नहीं और पीयूष को मौका मिला, और पीयूष के अंदर था टैलेंट मैं कहूंगा बचपन से, क्योंकि घर में हमारे जैसा माहौल होता है तो आदमी वैसे ढलते जाता है, तो वो मौका मिला और पीयूष जो है वो यहाँ तक पहुँचा। हमारी जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, या फिर कई सारे लोगों को हम फॉलो करते हैं, यार ये बहुत अच्छा गाता है, इनकी हरकतें बहुत अच्छी हैं, इनके एक्सप्रेशन, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे तुम देख देख कर सीखते हो और उनके जैसा बनना चाहते हो? मैं ज़्यादातर म्यूजिक सुनता हूँ तो पंजाबी म्यूजिक ज़्यादा सुनता हूँ। ओके, कोई खास वजह? खास वजह मीन्स जो रूहदारी होती है गाने में, अच्छा फील वाली जो बातें होती है वो पंजाब से बहुत अच्छी आती है, जैसे मास्टर सलीम हो गए, कमल खान हो गए, इन लोगों के जो टोनल क्वालिटी है गाने की और फील जो गाते हैं फील से और रागदारी को पकड़ के गाते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। क्या कोई पंजाबी गाना सुना? बिल्कुल बिल्कुल, एक तू माने या ना माने दिल दारा। बिल्कुल बिल्कुल। रब बंदे दी निजाती को जी में कपड़े दे विचरू हो कपड़े दे विच रू है लुकिया एंदा विच बंदे दे तू हो आवे बोलिया आवे बोलिया ते आप बुलाए आप करे हूँ तू माने या ना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा गवारा हो दस होर केड़ा रब दा गवारा असा दे तेनू रब मनिया तू माने आना माने दिलदारा असा दे तेनू रब मनिया। थैंक यू। क्या बात। और हमारी सारी फरमाइशें जो है वो पीयूष पूरी कर रहे हैं, जो भी हम कहते हैं, और बड़ा इंस्टेंट है ये, आप कुछ भी बोल दो तो इसके पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें से उठाकर अपने को जो चाहिए वो दे देता है। मैं ये कहूंगा कि हर किसी का एक सपना होता है, तुम्हारा भी जरूर सपना होगा, तो वो सपना क्या है जो तुम पूरा करना चाहते हो? काम तो चालू ही है उस सपने पे। मुझे एक अच्छा कंपोजर, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बनना। सिंगर तो हूँ मैं गा भी लेता हूँ, बट मुझे कंपोजिशंस करना, म्यूजिक के साथ जो क्रिएशन होता है वो करने में बहुत मजा आती है। और अभी भी मैंने घर पे मेरा खुद का सेटअप किया है और मैं अभी फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ। जैसा BGM होता है, बैकग्राउंड स्कोरिंग, जितना भी मूवी का शॉर्ट मूवी वगैरह जितने तो उसके लिए अभी मैं वो सीखना भी चालू है और क्रिएशन भी करना चालू है, और मैंने कुछ कंपोजिशंस भी किए हैं, बस अच्छे लोग मिले उसको उनके साथ शेयर करना चाहता फिर। क्या बात है। और मैं बता दूं कि पीयूष की हाइट देख कर आपको ऐसा लगेगा पीयूष बहुत बड़ा है, लेकिन पीयूष की उम्र मात्र 22 साल है, और पीयूष बहुत बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत क्रिएटिव है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा नाम जो है वो भी उसने किया है। मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी जर्नी रही तुम्हारी जिंदगी की, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे, कौन से वो लोग हैं जिन्हें क्रेडिट जरूर देना चाहोगे कि उनका बहुत बड़ा तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी मेरा गाने के लिए सहन नहीं कर सकते, मैं अगर कुछ भी गलत हो जाऊँ दादा तो वो सुन नहीं सकते। मेरे घर में किचन में अगर वो खाना बना रही होंगी और मैं हॉल में रियाज कर रहा हूँगा तो बराबर बताती है कि ये सुर लागला नहीं। क्या बात है। हाँ, तो बेलना रहा तो बेलना फेंक के मारेंगे नहीं तो कुछ भी, इतना वो लॉयल है म्यूजिक के लिए। क्या बात। पप्पा हरदम
प्राउड करते हैं और पैसा लगाने का काम पप्पा करते हैं। क्या बात है। और सेकंड में दूंगा वराट पांडे सर और मेरे गुरुजी धाकड़े गुरुजी, उनसे मैंने जो कुछ सीखा है और बाकी सब दोस्तों से सीखता हूँ, बड़े बड़े उस्तादों को सुन सुन के सीख रहा हूँ। क्या बात है। और हाल ही में गाना भी रिकॉर्ड किया है पीयूष ने धाकड़े सर के लिए। हाँ। और जल्दी वो मेरे ख्याल से हो आ गया, आ गया लॉन्च आ चुका है, वो भी अवेलेबल है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो भी जाइए, ये इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, सुनना हो देखना हो तो आप वहाँ पे भी इसे जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो पीयूष थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और पीयूष आए हमारे साथ, सबसे खास बात समय निकाल कर आए हमारे, थैंक यू सो मच, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीकेबी परिवार की तरफ से तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही बड़ा बड़ा काम करते रहो, अपने साथ साथ हमारे शहर का भी नाम जो है बराबर रोशन करते रहो, अपने परिवार का भी नाम रोशन करते रहो। ब्लेसिंग्स रहने दो आपके बस दादा, और आप सभी के ब्लेसिंग्स रहने दो बस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू। तो भैया आज के इस शो में हम मिले हमारे नागपुर के उस कलाकार से जिसका नाम था पीयूष वाघमारे। बड़ी खूबसूरत सी उसकी ये कहानी है। एक्सीडेंटली मिलता रहा सब कुछ, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत जो है वो होती है। उसने भी उम्र के 4 साल से शुरुआत जो है अपनी ज़िंदगी की, आज उसकी उम्र 22 साल हो गई, मतलब 18 साल की तपस्या है तब जाकर इतना सारा काम जो है वो हुआ है। तो बस हम चाहते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं, अगर आपके आसपास भी ऐसा ही कोई कलाकार रहता है और अगर उस कलाकार को आप हमारे वीकेबी चैनल द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह अवेलेबल है, और आप जीटी पल पे देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया पर जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम GTPL के चैनल नंबर 470 और ACN के चैनल नंबर 97 पर भी अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। देसी कलाकार